दो पैक मार गया चुपक चुप नहीं कर रहा है यार दिल्ली में। दो पैक मार गया चौका हालत खराब हो गया। तो वेलकम गाइस, वेलकम टू द न्यू डे। आज फिर से जा रहे हैं वही कल का रूटीन फॉलो करने के लिए, शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। तो चलो आज नई मार्केट ले जाएंगे, आज नई मार्केट जाएंगे, कोशिश करेंगे कि नई मार्केट एक्सप्लोर करें और कितना सामान मिलता है आज देखते हैं। सो लेट्स गो। तो हम अभी दोबारा से सरोजनी मार्केट जा रहे हैं और सामान बनाने के लिए, फिर उसके बाद शू देखने भी जाना है, फिर उसके बाद मजनू का टिल्ला भी जाना है। आज तो बहुत रश होने वाला है। फिर से यहाँ रेडी हो रहा है और अंदर कमल भैया के रूम का चाबी नहीं मिल रहा है। अच्छू ने पता नहीं कहाँ रख दिया, ढूंढ रहे दोनों। यहाँ कुछ कॉलोनी ऐसी है यहाँ की। ये भी रेडी हो चुके हैं। मैं आज जैकेट नहीं पहनूंगी, कल तो गर्मी से हाल खराब हो गया था, आज नहीं। तो आज मैं भी जस्ट इन वन टॉप में जा रही हूँ। बहुत गर्मी होने वाली और रश, बिकॉज इट्स संडे टुडे, तो आज तो बहुत लोग आने वाले, बहुत हद, कल से भी डबल ट्रिपल लोग। चलो ठीक है, बाय। बैग में नहीं, देहरादून नहीं जाता, बोल गया अगर कमरे की चाबी। तो गाइस अभी हम हमारे भाई के वहाँ रुके हुए थे मुनिरका में, एंड नाउ वी आर गोइंग फॉर सरोजनी मार्केट। एंड सरोजनी मार्केट जाएंगे, उसके बाद हम एमटी जाएंगे दोबारा, करोल बाग वगैरह जाएंगे और एक दूसरे के और जाएंगे। हम जा रहे सरोजनी की ओर फिर से। अफ्रीका फिर से भीड़। अब शूट वगैरह नहीं कर पाऊंगा यार, बहुत धक्का मुक्की हो रही है, तो शॉप पे जाके मिलते हैं आप सभी। दो पीस के। पहली बार इतना खाली दिख रहा है क्यों? पहली बार खोदड़ी आज सुबह खाली दिख रहा है। और संडे की सुबह इतना खाली, दो बार तो आ रहे हैं, मुझे खाली दिख रहा है पहली बार। अब ऐसा लग रहा है मुझे, मैं एक महीने से यही घूम रहा हूँ टाइप का। मैं मुझे कुछ ज्यादा ही खाली है यार, जो खचा खच भरा रहता है। क्यों पूरा एरिया नहीं भरा रहता है? कुछ रिस्पॉन्स तो दे। बस पहुंचने ही वाले हैं उस लोकेशन पे। साले ने करेक्ट मार्केट तो कर रखा है। बहुत महंगा बोले यार, मजाक मत करो यार। कॉफी, अच्छा कॉफी है ना, ये वही है ना जो अभी। कॉफी नहीं यार, ओरिजिनल वाला कोई सेकंड हैंड मिल जाए तो कोई कलर कॉफी खराब हो जाएगा, गारंटी थोड़ी मिलेगी यार। कितने का दे रहे हो सर? वॉलेट है ऑलरेडी। पूछ क्या बोल मकरमा? इतना खास नहीं है खुशबू, सबकी अलग। पचास, सब पचास का लेगा बड़ा भाई, पचास का देगा तो लेगा। गुची का परफ्यूम बेच रहे 2100 बोल रहे हैं, वो पीछे वाला 150 बोल रहे हैं, और हर किसी के हाथ में गुची का ही परफ्यूम है। अरे ये भाई भी आ गया, कितने का? नहीं यार, सब 100, 500, 150, अलग अलग रेट है सबका।
और परफ्यूम एक ही जगह से ला रहे हैं सब। पूजा बाबू देख ले, पूजा बाबू का फंसी खड़ा है यहाँ। ये बेल्ट बेचने वाले एयरपोर्ट गाड़ी वालों का भी अलग ही स्ट्रगल है। अच्छो तो बस अभी सरोजनी मार्केट से हम आ चुके हैं और बहुत सारा सामान लिया और इतना रश था कि हमने ऑटो में ही घूमे और कुछ भी नहीं दिखा पाया मैं। मार्केट में बहुत रश था, आज वीकेंड है, संडे है। तो अब हम जा रहे हैं कौन से एक्सपो में? एक्सपो हट कालका जी, ब्लॉक जी, एक्सपो हट जा रहे हैं कालका जी में और वहाँ पे शूज वगैरह की अच्छी सेल लगी हुई है। तो लेट्स सी क्या होता है। सही देखी नहीं खरीदेगी तो लाइव में बोलते देख सकते भैया के लिए टी शर्ट लिया मुश्किल से। हाँ ले देगी नहीं ले देगी बता। तो हमारे नौजी बच्चों खरीदेंगे और आज मेरे लिए खरीदेगी एक दो शूज और एक दो शूज क्या पता मैं बेचने के लिए भी ले जाऊँ, देखते चलो क्या होता है। मैं इन दोनों को के एफ सी ले जा रही हूँ। हम लोग नहीं आए तो सोचने की नहीं ले गई है। चलो 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 चलते हैं। अरे यही कहीं दिखा देगा के एफ सी के सामने दिखा रहे हमें अभी। चलो हम है यहाँ कालका जी में। हम यहाँ खड़े कालका जी जो कैश और गोल्ड करके है ना, किसी ना ये मंदिर के नाम पे होगा कालका जी। उधर गेट के बाहर ही लक्ष्मी नारायण मंदिर। हम पहुँच गए हमारे लोकेशन पे F5 एक्सपोर्ट हट। लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पे। स्टॉक्स के ऊपर होता है बोल रहे, सब ब्रांडेड मिलते हैं 70% डिस्काउंट्स। स्टॉक के ऊपर होता है कि क्या माल आ रखा है क्या नहीं आ रखा है। यहाँ प्यूमा बास्केट वगैरह तो दिख रहा है, चलो हंट करते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। यहाँ पे है अंदर असली। ओहो नाइस। सात नंबर है जब मैं ब्रांडेड मोबाइल 4000 के सारे। अच्छा मैं लूंगा, बहुत सही सही है। बहुत हैवी है नीचे स्लीपर, इतने हैवी है वो लेता हूँ सोच रहा हूँ मैं। चमे लोगे तो एकदम सॉफ्ट फोम वाले मिल रहे ना एकदम। उलंगीन पी बस शॉपिंग कर चुके हैं। वो जो देवकी टावर है उसके पास पे मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप है, वहीं जाना है हमें। और हमें वो दिखानी चाहिए थे ना, ये शॉपिंग करा वो शॉपिंग करा। क्या हो चो? अरे जो वो वायरल नहीं हो रहा था नीचे मनोज छोले चावल कड़ी चावल वाला, उसके नीचे रहता यही तो है। तो अब हम फेमस मनोज के छोले चावल खाने जा रहे हैं, देखते हैं मिलता नहीं मिलता हमें। हमें लगाना है आज मोबाइल को स्पीकर एंड कैमरा गार्ड, क्योंकि मेरा मोबाइल गिर गिर के इतना स्क्रैच आ गया है ना कैमरे में, मेरे को लगता है कभी भी जा सकता है। हेलो, मोबाइल एक्सेसरीज कवर लेमिनेशन टेम्पर ग्लास हर चीज मिल जाता है यहाँ पे। ये मार्केट का नाम है 96 सिद्धार्थ बिल्डिंग लिखा हुआ है भाई, नेहरू प्लेस। नेहरू प्लेस इज द मार्केट नेम। तमो देव चो ये भी सही है यार। कौन सा ले रहे चो? नेजू को वाला देख दो भाई, लड़की वाला कोई नेजू को नहीं चाहिए। अच्छा उसके साथ ही जाते
जगह रियल होती तो बात भी थी। वन पीस हाँ मिल गया एरन यगर। चलो देखा सुल्टन एरन येगर की फैन। अभी हमें जाना है टनकपुरी। कहाँ जाना चो? टनकपुर जनकपुरी जनकपुरी वेस्ट ज्यादा है और बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुके हैं यार। अब तो मेरे को शॉपिंग करने के मन नहीं कर रहा है यार। बाय गॉड बस मैं लोअर बना लूँ और कुछ नहीं। दिखा तो चूज कर ली। कल से इसी टोपी पहना हुआ है। अब तो शाम होने को है, थोड़ी ठंड लग रही है तो इस वजह से टोपी मैंने दोबारा पहन लिया और थोड़ा कूल लग रहा है इस टोपी में, मुझे ऐसा लगता है। प्लीज कमेंट करिए अगर मैं कूल लग रहा हूँ तो। और हमारे नदी बिचो कल से गोश्त और ऊंचिया बने हुए हैं और आज बेचारी सीधी सादी लड़की बनी हुई है। और पीछे टनकपुर जाने वाली मेट्रो आ चुकी है। जो पीछे मेट्रो है वो कहाँ जा रही है यार? वो जा रही है आपका बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन जा रही है जो आपको वहाँ ले जाएगी, जो आपको बॉटनिकल गार्डन में जाएगी MTM की। और फिर यहाँ पे आएगी टनकपुर की गाड़ी। जनकपुरी वेस्ट जाना है हमें। चलो मिलते हैं, बाय बाय। दिल्ली में इतना सफ़र कर दिया कि अब ऐसा लग रहा है कि सफ़र करना पड़ रहा है अब हमें। ये पूरा ट्रिप हम कहीं नहीं घूमे, कोई भी ऐसे प्लेस नहीं घूमे, हम बस शॉपिंग वगैरह करा और मार्केट्स वगैरह ही घूमे। अभी छोले भटूरे वगैरह भी खाए, इतने भूखे थे कि रिकॉर्ड करना भी भूल गए। चलो स्टे ट्यून, अब मिलते हैं आपको सीधे MT में फिर से। टूअर्स जनकपुरी वेस्ट। अगला स्टेशन चिराग दिल्ली है। इधर देख रहे हो, मस्त लग रहा है। आते ऑंगचिन बोध थिंकिन टैं 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 इंगो रक्त तिग जापानची हीरोइन अंग तिग कोरियाची के पॉप स्टार यानी जापानची हीरोइन अंग पॉप ची कोरिया स्टार। अबे चूसी क्या बोले, जापानची हीरोइन के पॉप स्टार कोरिया ची माँ जापानची हीरोइन अगन अंग आई आई चाहे इन के पॉप स्टार कोरिया ची मुनेर का ची शिरी जेलिए मुनेर का ची शिरी। अच्छा मैं पटक गया, मतलब मुनेर का मैं पटक चुका हूँ। मैं नदी उछल में है, चला मैं गाइड कर दिया शायद उसको पता है। अरे अच्छा ये तो हम वहाँ से पीछे से मोबाइल रिपेयर कर ले। ये तो पहुँच ही गए फिर, यही तो मोमो खाया था। चलो पहुँच गए, नहीं बट गए, मैंने सोचा भटक गए होंगे। ये क्या झुलम है यार अचो, यहाँ से हम जाएंगे मजनू के टीला, फिर वहां से सीधे कश्मीरी गेट से अपना देहरादून वापस।
तो हम अभी एमटी पहुंच गए हैं बाकी शॉपिंग करने के लिए। हम एमटी के अंदर है अभी और फिलहाल लोअर देखने जा रहे हैं। एमटी में शॉपिंग वगैरह कर लिया है, अब जा रहे हैं खाना खाने। भाजी बच्चों आज क्या स्पेशल खा रहे हैं? आज कमल की पार्टी है। कमल भाई पार्टी दे रहे हैं, स्केटल से कमाई और स्केटल जलेंडो से बहुत छाप है। दीदी बोलो अरे थकाली फूल तो नहीं पाली। नौदी मिचो आर यू एक्साइटेड फॉर नेपाली डिश? नेपाली आता है बोलना, नेपाली में बोल दो कुछ। नहीं नहीं ये बोलिए आजो आता है नीतू आ चुका तो तपाई को स्वागत छ बोल दो यहाँ थकाली किचन में। बचपन में रही है नेपाल दुम आज लो वा नेपाली को एक पैराग्राफ टाइप का थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट लिटिल बिट थोड़ा थोड़ा बोल दे प्लीज। ये बोल देना कहीं खाऊ छू तात ना ते चु लोयो वा दखल दखल हाँ लोयो बुस्सी नियम दे छुगन दचो दचो लोयो छाटो लोयो कहाँ जा रहे हैं? आज तो वही तो करो आने तो दो हमारे गाइड को। सॉरी सॉरी छाटो लोयो गन छाटो छाटो लोयो रंग बोली बन ले का ले खाली नियम दिन गाइड भाई आ गए हमारे। अच्छो दरवाजा खोल दिया भाई चलो बड़ा। अरे यार मत ये कोई मिले दरवाजा सुना रहा हूँ दे दे ये चोगिन 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 वहाँ तमें दी वाला छिलकी लगे शौंगशी मिन क्या कर इन दगल तपाईको स्वागत छ त मलो सर आइसे कैमरा साफ नहीं कैमरा खराब इसको करने ही नहीं चाहिए कितना अच्छा आ रहा है। ये सुकुटी क्या सुकुटी मतलब ड्राइविंग होते हैं भाई तो बता दिया तुम क्या कर रहे हो? मैं तो वही चिकन और तू इससे कौन आ रहा था? चार मटन थाली और दो चिकन थाली। अबे ऑटो में चल लेंगे यहाँ से नेपाली रेस्टोरेंट में आ रहा हूँ नेपाली टाइप भी लग रहा हूँ पूरा मैं।
यहाँ से ऑटो में चलने की सीधे सबसे बेस्ट क्यों अब खाएंगे बस कैसा आता था उसके बाद एक भी ये होगा यार दो ढाई किलो मैं आपको इसका वेट दिखाना चाहता हूँ आप गाइस देख लीजिए एक बार गाइस देखिए से आप बॉडी बना सकते हैं गाइस किसी तरह तो ये देखो जो आवाज सुनो देखो आवाज सुनो ये एक बार ऐसे छोड़ दो अब आगे देखता हूँ कौन दवा कैसा रहा इसमें चाकू है इसमें मिक्स दाल है रायता है सैलेड है ये हरी सब्जी है और ये बंगो चटनी और ये भी सूखी चटनी है और ये पापड़ है ये है नेपाली थाली दिस इज इट और ये चिकन बस अब भाई लोगों से अलविदा लेंगे यहीं पे हमारा सफर बस थोड़े घंटे और फिर हमें दिल्ली से जाना पड़ेगा तो गाइस बस पे बैठ चुके हैं और जा रहे हैं हम देहरादून की ओर दिल्ली का सफर यहीं तक ही था एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड ऐसी देखते रहिए और अपने रिव्यू शेयर करिए अब मिलते हैं आप लोगों से देहरादून पे तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय